थैंक यू सो मच. कांग्रेट्स. बाबूजी बाबूजी भाई माई धन्यवाद तो लड़की के जौन बियाह कह के बाढ़ के दाग निरहू के दामन से छोड़ा देलस. चाचा जी. अरे क्या बात है बेटा जी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो. बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप भी उछल पड़ेंगे. अरे जल्दी बताओ बेटा जी, मैं भी उछलना चाहता हूँ. मैंने शादी कर ली है. मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे यकीन नहीं हो रहा, ये देखिए फोटोग्राफ्स. ये कौन है? ये एक सीरियल किलर है. अरे आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा? मैरिज सर्टिफिकेट भी लाई हूँ. तुमने सही में शादी कर ली बेटा जी? यस चाचा जी, और आज से 9 दिन बाद उस आदमी को फांसी हो जाएगी. और फिर मैं शादी के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी. और शादी करने के बाद भी मैं कुंवारी ही रहूंगी चाचा जी. कैसा लगा मेरा प्लान? क्या दिमाग लगाया है बेटा जी. तो अब डैडी के वसीयत के अनुसार इस पूरी प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालकिन हूँ. तो फटाक से एकदम जल्दी जल्दी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए. 10 लाख रुपए क्यों बेटा जी? क्योंकि मुझे रान पार्टी मनानी है. रान पार्टी? अरे यार, जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसका सिंदूर धोकर, उसकी चूड़ियां तोड़कर, उसे सफेद साड़ी पहनाकर विधवा यानी की रान बनाया जाता है. वैसे ही जब उस बेचारे को फांसी लग रही होगी, उसी वक्त हम उसके मरने की खुशी में एक आलीशान पार्टी करेंगे जिसका नाम होगा रान पार्टी. यस. कमाल है, हुबू ऐसा ही है. हाँ सर, शक्ल एकदम मिलती जुलती है. आओ, कहीं उस बेगुनाह निरहुआ को फांसी हो गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा. पर सर, कल कोर्ट की छुट्टी है, कल सुबह ठीक 12 बजे उसे फांसी दे दीजिए. सोना डार्लिंग मुबारक हो, आज से तुम विधवा बनने वाली हो. विधवा नहीं रे, वो क्या कहते हैं, रॉड बनने वाली है. अरे ये तो बताओ रॉड कितने बजे बनोगी? उसे एग्जैक्टली 12 बजे फांसी लगने वाली है. अभी कितना बज रहा है? डार्लिंग अभी तो 11 बजे हैं. निरहुआ कुमार यादव, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? साहब भी आ तो करवा देनी, अब सुहाग रातों करवा देती तो मोरे में आसानी रही. सर, ये कोर्ट का आदेश है. क्या क्यूट लग रही है डियर, क्या क्यूट लग रही है. खोल दो. जय बजरंगबली, हम तो पहले ही कातरानी के हम कुछ नहीं की कहले. जाओ मनाओ सुहागरात. कैसे हो अब? बढ़िया साहब. समय पर असली मुजरिम पकड़ा गया, इसलिए तुम बच गए. जी. बेवजह जो तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए हमें दुख है. कोर्ट के आदेश के अनुसार तुम्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है. ये रहा तुम्हारा चेक. धन्यवाद. अब तुम आजाद हो. अब कहाँ जाने का इरादा है?
और कहाँ जाए साहब, अपने मेहरारू के लगे। उस साधारण औरत ने के साहब साक्षात देवी बिया, और ओकरे पुन प्रताप से तो हम बच गए नहीं। ए सोना, हम आ गए नहीं। चाचा साक्षात देवी भी हमार मेहरारू। हाँ? हमरा बचला के खुशी में पार्टी मनावतिया। देखो ना, चलो कहाँ रुकेला। अच्छा ना नच बोलो, तुम तो अन्य लोग के भोजपुरिया डिस्को दिखाओ तानी। अरे भाई क्यों जीना जवार के भाई यहाँ हो। विज्ञान इसी तरह बढ़ता रहा तो सरसों को फुला फुला के अंडा बना दिया जाएगा, और सैंडल की ऊंचाई इसी तरह बढ़ती रही मैडम तो हर सैंडल के नीचे डंडा लगा दिया जाएगा। रई 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 हई रई 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 रई। अरे ही तरे सौ साले जी हो गोरिया मर गई। अरे दादा हो मोर तार दुसु मोर। यही तरे सौ साले जी हो हमर गोरिया जी हो तो दिल हो मोरो के जी हो तो तनी हो मोरो के दी हो ये गोरिया जी हो तो तनी जी हो तो नहीं हमरों के।
तो कमी हमरो के दिहाये गोरिया जी हो तो कमी इनको के दिहाये गोरिया जी हो तो कमी इनको के यही तरह सौ साल जी होए गोरिया यही तरह सौ साल जी होए गोरिया जी हो तो कमी हमरो के जी हो तो कमी हमरो के दिहाये गोरिया जी हो तो कमी इनको के अरे तुम्हें तो फांसी होने वाली थी, तुम बच कैसे गए? तोरे वजह से, तू साक्षात देवी बाड़ू। जब से तुझे बिया भइल ना, हमार सब घराना छत्र कट गई। जो नसली अपराधी रहू साला पकड़ा गई और तुहार पति तोरा सामने बा। पति? तुम जैसे जाहिल गवार को मैं अपना पति तो क्या इस घर का नौकर भी नहीं बनाऊंगी। का तो जेल में जो हमारा साथ साथ फेरा ले रहू वो सब नाटक रहे? हाँ सब नाटक था। अरे मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे डैड ने मरने से पहले एक वसीयत बनाई थी जिसमें लिखा था कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो उनकी दौलत में से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की, ताकि तुम्हें फांसी लगे, तुम मर जाओ और मैं आजाद हो जाऊँ। लेकिन तुम तो बच गए और यहाँ मेरा सर खा रहे हो। इसलिए फटाफट फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफा हो जाओ मेरे घर से। हाँ तो दफा ना खत का तुर मुंह देखा। अरे हम तोरा के सती समझनी और ते तो डायन निकल ले। तोरा जैसे मैं रारू के तो मुंह देखल पापा। अगर तोरा के हमार मुंह नहीं देखे के ना तो हमरो के तोर मुंह नहीं देखे के। तो खड़े खड़े मुंह देख क्यों रहे हो, निकलो ना। हाँ तो चिल्लात का बढ़ जाता नहीं ना। अरे कहाँ चल दिए रामपुर के लक्ष्मण? हम यहाँ सीता के तलाश में आये रही, लेकिन तुहार भतीजी पूरा सुपना खा बिया, एक मिनट नहीं रहे ओकरा साथ हमके। अरे मैंने तो सुना था कि गांव के लोग बड़े जवान मर्द होते हैं, अपनी औरत की नकेल को ऐसा कस के रखते हैं कि उसकी इजाजत के बिना वो हिल भी नहीं सकती। तुम कैसे मर्द हो यार? अच्छा अच्छा, मर्दानगी मत नहीं आ रहा। मौका मिलल रही इतना ताजे दिखा दे रहती कि मर्दानगी के मतलब का होला। अरे तो देर किस बात की है बेटा, जाओ अपनी बेलगाम औरत की लगाम कसो, तब मैं समझूंगा कि तुम मर्द के बच्चे हो। का लगाम लगाई? का लगाम लगाई ओके जो उन शादी भी धोखा के बुनियाद पे केले भैया। लेकिन बेटा वो बुनियाद कानून के सिकंजे में ऐसे कसा हुआ है कि वो चाह कर भी नहीं निकल सकती। वो कैसे? वो ऐसे कि जेलर के सामने तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी शादी के सारे सर्टिफिकेट मेरे पास हैं, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। अरे कानूनन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम जो चाहे उसका कर सकते हो। अच्छा है? 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 तब देखा चाचा। देखा है भोजपुरिया जवान के खेल कैसे निकाला था नींद करते हैं। मैडम 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 चाय। वो नमूना यहाँ से गया कि नहीं? नहीं मैडम, वो तो मजे से खा पी रहा है। इसकी तुम्हें? अरे तुम्हारे बाप का घर है क्या जो इतना मजे में खा रहे हो? बाप के नहीं खे, ससुर जी के हो, दहेज समझ के खाता नहीं। तोरा कोनो दिक्कत? भिखारी कहीं के, तुम खुद यहाँ से निकलते हो या मैं तुम्हें घसीट के बाहर निकलवाऊं? अरे केकरा से बात कर दिया रे, पति परमेश्वर से ऐसे बात कर जाला? देख अभी जवान संभाल के बात करना था, कान के नीचे जवान लपड़ मारब की आंख निकल के नाचे लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ जरूरत पड़ी तो लथेबो करो। ई कौन बुला रहे उठे के? है काल से अगर सवेरे सवेरे उठ के आई कुल झाड़ू पोछा ना भइल ना, तब हम तो बताएं कि मर्द और मेहरारू में अंतर का होला। रामू लोचन, रामू लोचन! मैडम, अभी के अभी इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। बेटा इनकर मर्द होके के नाते अब घर के मालिक हम बनी, अब ऑर्डर इनकर ना हमार चली, हमारा के निकाले बोलो तो नहीं लोग के निकाल दे। नहीं मालिक। अरे नहीं। हाँ अब तू मुँह का देखा तारी रे, जो हमारा खातिर पानी लेके आओ। पानी? मैं तो तुम्हें जहर दूंगी। जहर दूंगी? जो उन देवे के बाद तो उन देते नहीं थे। नाराज हो गए लोग, सुनो ना, दिन भर लड़ाई हुई तो हमनी के प्यार मोहब्बत कब करेगे? वैसे रात के तब प्यार के हमनी के खेला खेलिए ना पहुंच जा। चला दा अभी प्यार के लड़ाई लड़ल जा। ओ शिट। सोना सुहाग रात तो सभी मनावला, हमनी के सुहाग दिन मनावल जा। चलो ना।
चाचा जी। हाँ जी। इस बदतमीज आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। अरे नहीं नहीं बेटा जी, अपने पति को बदतमीज नहीं कहते, उससे शराफत से पेश आते हैं। पति माय फुट, और मुझे तो लगता है आप भी इससे मिले हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं इस शहर का सबसे बड़ा वकील करूंगी और चुटकियों में तलाक देके इसे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी, देखना। अरे नहीं नहीं बेटा जी, ऐसी गलती जिंदगी में मत करना, क्योंकि तुम चाहकर भी तलाक नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उस दिन तुमने अपने पिता की वसीयत को बगैर पढ़े फाड़ दिया था। उस वसीयत में साफ साफ लिखा है, अगर तुम अपने पति को तलाक दोगी तो ये पूरी जायदाद तुम्हारे पति की हो जाएगी, यानी इसकी हो जाएगी। ओह नो। ओह यस बेटा जी। हाँ, एक शर्त पे ये पूरी दौलत तुम्हारे नाम पे हो सकती है, अगर ये तुम्हें तलाक दे दी। तुम तलाक दोगे बेटा ना? इतना मुश्किल से तो इतना गोच बाल भी ललबा हम ये जन्म पे का सात जन्म में छोड़े वाला नहीं की। तुम्हें तो मैं ये क्या बेटा जी? तो क्या, हमार कसम कुछ ना पूछबा, चुपचाप रखा। हाँ। डार्लिंग, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? वो सरदर्द बन गया है यार, अगर वो यहाँ से जल्दी नहीं जाएगा ना तो मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगी। नहीं सुनो डार्लिंग, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, दुनिया में तुम ही तो एक सहारा बचे हो मेरे। प्लीज कुछ भी करो, कैसे भी उसे यहाँ से भगाओ। बस तुम देखती जाओ, उसका तो मैं वो हल करूंगा कि वो तुम्हारी घर की तरफ मुड़कर देखेगा भी नहीं। अंदर कैसे घुस गए? निरहुआ कहाँ? क्यों? ए, कहाँ निरहुआ? अरे मुझे क्या पता, यही कहीं होगा, जाओ ढूंढो। कहाँ रे गौटी? ए साला अनहर, बानर लिखा है ने उन्हें का देखा था रे, हम यहाँ बानी। अरे उसका मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मारो। चलो मार इसको। अबे सालो, तुम लोग जयकारा लगाने आए हो, मारो ना। रुका, तू हमरा से पीछा छोड़ा खतरे के बोले ले बाड़ू, तो तारा मालूम है नहीं के कि हम एगो हिंदुस्तानी पति हैं, और हिंदुस्तानी पति एक बार हाथ पकड़ लेलस तब फिर जीवन भर छोड़े ला ना। अभी सालो देख क्या रहे हो, मारो ना यार, मारो ना, पकड़ लो। अरे गधो, मुझे नहीं, उसे पकड़ो। Yeah!
सुना शट अप। अरे सुना शट अप तब न जब नेरे इबू तनियावत देह दबा दा हमार जान। व्हाट एन इडियट। अरे गुंडन के मार मार के देह में दर्द हो गई तनी दबा दे वो तो का हो जाई। अरे गुंडों को तुमने कहा, गुंडों को तो मैंने मारा है, मेरे गुंडों को मुझसे ही पिटवा दिया, तुम्हें तो मैं। अरे अब क्या है, पानी गर्म कर हमारा नहाए के बाद। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए पानी गर्म करूँ। खचड़ी मेहरारू से दिल लगावे के बातें अलग है, मत गर्मा हम ठंडा पानी से नहा ले। ओमे बाबा बा चाचा असली मजा तहरे बा, बुढ़ौती में विदेशी माल चापा तारा। तुम भी पीते हो क्या बेटा? ना चाचा, पूरा जिला जवार में केहू माई के लाल नहीं के कह सकत कि निरहू कुमार यादव कबो एक रुपया के भी दारू खरीद के पियले हो खस। हम क्यों पिया देला तो पी लेनी। अरे तो तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी बेटा। तो जवाबा चाचा। तो कौन सी पियोगे बेटा, ये कि ये वाला जवाबा? अरे वाह वाह वाह, ये लो। लो बेटा। और चापा? चापा अरे भरा। ओ तनी और भरा। अरे भरा हो। बहुत मीठा तनी और भरा। बेटा ये पीने की कौन सी स्टाइल है? ये अमन का देसी स्टाइल है। अच्छा अच्छा अच्छा। भरा भरा लो। भरा तारा की बुलवावा तारा। दो लो। चाचा तू बड़ी मस्त आदमी है। ना 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 इवा सोचे कि हमके नशा होता। ये तो हो माने हम केतनो पी ली लेकिन हमारा नशा ना होला कबो ना चाचा। एक बात के शिकायत बा चाचा। क्या हो गया बेटा? बहुत बड़का शिकायत बा। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। बहुत बड़का गलती काम कइले बाड़ा तू लोग। क्या हो गया बेटा? ये अपना बेटी के नाम सोना काहे रख ले वालो? क्यों? घंटा सोना। ब्याह भइले इतना दिन भइल सलोज ले एक दिन नहीं के सूते देले। सोना हो तो हमारो नाम निरहू कुमार यादव। आज तो चिखिया के रहे हम।